बड़ा सोचने से लोग डर जाते हैं, आखिर क्यों? उसका राज क्या है? मैं आज इस टॉपिक में उसका राज बताऊंगा, अच्छा से ध्यान से समझिए। मैं एक स्टोरी के माध्यम से घर में आप लोग गाय पालते होंगे, तो गाय में जो बच्चा देता है, बच्चे को हम कैसे बात इस चुट्टा रस्सी से उसको बांध के रखते हैं, एक कुत्ती भी। लेकिन तो अब वो क्या करता है, बहुत कोशिश कोशिश करता है उसको तोड़ने के लिए, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। क्यों? उसके पास इतना ताकत नहीं था, उसके वजह से वो तोड़ नहीं पाता। क्योंकि हर दिन हर घंटा वो कोशिश करता है उसको तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ नहीं पाता। और जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वो एक भैल बन जाता है, उसके पास इतना कीमत होता है, इतना कीमत, चाहे भी एक सेकंड भी नहीं लगेगा उसको उसका रस्सी तोड़ने के लिए, लेकिन वो एक बार भी प्रयास नहीं करता है उसको तोड़ने के लिए। आखिर क्यों? आखिर राज वही है, हम वो जो रस्सी है, रस्सी से उसको गले पे बांध के रखते हैं। नहीं दोस्तों, ये बांध हम लोग गला पे नहीं, उसका सोच पे बांध के रखते हैं। सोच को हम लोग बांध के रखता हूँ, इसलिए वो प्रयास नहीं करता है, क्योंकि वो वही सोचता है जो मैं बचपन से प्रयास करके आया, कर करके आया, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाया, और आज भी मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन मानिए दोस्तों, ऐसा ही हमारा दिमाग में कोई ना कोई ऐसा हम लोग का जो सोच है, सोच को ऐसे ही बांध के रखा है एक रस्सी की तरह, जैसे कि हम लोग बड़ा सोच नहीं पाता, हमारा बड़ा कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि करने से पहले सोचना पड़ता है, और आखिर सोचने से पहले ही डर जाते हैं, क्योंकि सोच वही है, बचपन में हम लोग का सोच बांध के रखा है, इसलिए हम लोग बड़ा सोच से सोचने से डर जाते हैं। तो क्यों, कैसे? हाँ, गाय का तो जो बच्चा है उसका रस्सी से बांध के रखा है, लेकिन हमारा सोच कैसे बांध के रखा है? हमारा सोच ऐसे बांध के रखा है जैसे जैसे कि हम जब छूटे थे तो हम लोग को कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, सामने एक सांप आ जाएगा तो उसको पकड़ लूंगा, पकड़ा कि नहीं क्योंकि पता है क्या वो काटता है, नहीं मालूम, कोई ना कोई बोलाए वो सांप है उसको पकड़ मत वो काट लेगा। तो मेरा हम लोग का सोच में वही बैठा है वो काट लेगा। जब हम लोग स्कूल में जाया करते थे तो कोई ना कोई पूछता है फ्रेंड लोग, अरे तू बड़ा होके क्या करना चाहता है? अरे बड़ा होके मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन वही फ्रेंड लोग क्या करता है, मजाक उड़ाने लगता है, क्या तेरे तो सकल देख, पढ़ाई पढ़ाई में कितना कमजोर हूँ और तू डॉक्टर बन जाएगा। तब क्या होता है हमारा सोच, तब धीरे धीरे से सोच को छुटा करके रखता है, बांध के रखता है। जब घर में ऊपर में हवाई जहाज जाता है तो हम लोग क्या क्या बोलते हैं, मम्मी मम्मी ये हवाई जहाज जा रहा है, मैं भी उस पर एक दिन छोड़ूंगा। तो मम्मी ने क्या बोल रहे, अरे नहीं बेटा नहीं, ये बड़ा लोगों के लिए हम लोग छुटाए, क्योंकि औकात से बात करना सी, क्योंकि हमारा औकात इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चढ़ने के लिए वहाँ पे तो बड़ा बड़ा लोग चढ़ रहे हैं। तब क्या होता है हमारा सोच में, वही सोच में सोच को बांध के रखा है, मम्मी पापा कोई फ्रेंड दोस्त सब लोग ने हम लोग का जो सोच है सोच को बांध के रखा। लेकिन मानिए आप भी ऐसा हाल में गुजरा हुआ है, क्योंकि हर इंसान का लाइफ में ऐसा ही होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सोच कैसा रहता है, बुरे कागज की तरह, कोई आता है और आके कोई लिखता है, कौन सा लिखता है, जैसे कि कोई जो मैं पहले बात बोला है, इस
बेहतर है कि हम लोग का दिमाग में प्रोग्राम डाल के दिए, जिस जिस जिससे प्रोग्राम डाला है इस तरीके से हम लोग चल रहे थे। बड़ा सोच नहीं पता, बड़ा कुछ कर नहीं पता। स्कूल में टीचर ने मम्मी पापा सब वही सिखाया गया है, बेटा लिखो पढ़ो एक अच्छा नौकरी करो, लेकिन कोई नहीं सिखाया जो बेटा पढ़ो लिखो और एक बड़ा बिजनेसमैन बनो, ये कोई नहीं सिखाया। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं जो नौकरी करो, शिक्षा का मतलब बाकी यही है जो पढ़ो लिखो और अच्छा खासा कुछ जिंदगी में करो। जब तक शिक्षा का मतलब यह रहेगा जो नौकरी बनाए, तब तक दुनिया में नौकरी पैदा होगा, मालिक नहीं। तब आपका सोच कैसा होना चाहिए, एक मालिक है बाज पाकी था और उसका अंडा एक कौवा का घोंसले में गिर गया। तो कौवा ने सोचा मेरा ये अपना अंडा समझ के उसको देखभाल किया और आखिर में उसका बच्चा निकला और कौवा का बच्चा के साथ वो भी बाज का बच्चा निकला। तो अपना बच्चा समझ कर उसको परवरिश करने लगे। जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या करता है कौवा, जो बच्चा को लेकर उड़ान सिखाने लगता है। तो कौवा कहाँ पे उड़ता है, नीचे, और बाज कहाँ पे उड़ता है, आकाश में ऊपर उड़ता है। तो जो कौवा का बच्चा को लेकर उड़ान सिखाने लगा, तो जो बाज का बच्चा वो क्या करता है, वो कोशिश करता है ऊपर उड़ान लगाने की, लेकिन कौवा क्या करता है उसको रुकता है, नहीं बेटा इतना ऊपर नहीं उड़ने का, क्योंकि तू क्या है, कौवा है, कौवा, और कौवा की तरह उड़ान सीख, नहीं तो इतना ऊपर जाएगा तो गिर जाएगा, तेरे की बस की बात नहीं है। लेकिन वो देखता है ऊपर में बाज उड़ता है, लेकिन वो मम्मी को पूछता है, मम्मी मम्मी ये देखो इतना ऊपर तो उड़ रहा है, लेकिन वो मम्मी ने क्या बोलता है, नहीं बेटा तू तो कौवा है, तू बाज नहीं इतना ऊपर उड़े, वो बाज है। वही है दोस्तों, तो ये जो स्टोरी से आपको वो जो बाज का बच्चा आखिर उसका लास्ट में उसका जिंदगी ऐसे ही बिता दिया कौवा की तरह। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, वो चाहता ऊपर उड़ने के लिए, क्या नहीं उड़ पाता, आखिर उड़ पाता जरूर, क्योंकि वो बाज का बच्चा था। क्यों नहीं उड़ पाया, क्योंकि उसका सोच में वही बैठा दिया, क्योंकि तू बाज कौवा का बच्चा है, तू ऊपर नहीं उड़ पाएगा, तू नीचे ही रहना है, इसलिए वो नीचे ही उसका जिंदगी चला गया। लेकिन वही दोस्तों, ये स्टोरी से वही समझाना चाहता हूँ, जो हम इंसान है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन हम पहले सोच में ही गड़बड़ा जाते, सोच नहीं पाते। इस तरह दोस्तों हमारा सोच में ऐसा ही, जो बचपन में तो सोच के बांध के रख दिया, इसकी वजह से हम कुछ बड़ा सोच नहीं पाते, बड़ा कुछ कर नहीं पाते।